वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक सीख लेकर आया हूं क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो तो शुरू हो गया लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से आप सभी को। 2021 आ गया, 2020 तो आप लोगों को पता ही है भाई कैसा था। जो भी हो उम्मीद है कि 2021 हमारे लिए अच्छा होगा। वैसे गाइस 2021 को लेके बात निकली गई है तो मैं आप लोगों को कुछ ट्वीट्स और स्टोरी दिखा देता हूँ। जैसे कि आशीष चंचलानी, उन्होंने कहा रीट्वीट इफ यू सर्वाइव्ड 2020 एंड यू आर एब्सोल्युटली थैंकफुल। भुवन बाम ने कहा हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, याद रखना तारीख बदल रही है तकदीर नहीं। 2021 में दूसरों से उम्मीद कम, खुद पे भरोसा ज्यादा। कैरी मिनाटी ने कहा आई हैव क्वेश्चंस फॉर People who are excited for this to end. New Year के बाद सब कुछ गेम की तरह रीसेट हो जाएगा ना। और तो गाइस यहाँ पर अरिश्फा खान वो भी जो है लाइव आई थी, जहाँ पर उसने भी इससे रिलेटेड कुछ कहा है, आइए देखते हैं। जितनी भी अगर कोई मुझसे गलतियाँ हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। 2020 में आई नो बहुत लोगों के लिए 2020 अच्छा नहीं रहा है, मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहा, थोड़ा बुरा रहा। बुरा इसलिए बिकॉज इतनी सारी सबको प्रॉब्लम हुई, मेरे लिए 2020 अच्छा नहीं रहा। आई होप 2021 अच्छा रहे, ये बीमारी भी चली जाए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2021 सब लोगों को। यस यस 2021 आ गया। घंटा कुछ नहीं होने वाला है, अभी भी तुम बिस्तर पे पड़े रहोगे, कोरोना घंटा भी नहीं जाने वाला। सो जाओ, चलो चलो। और गाइस अब हम लोग चलते हैं सिद्धार्थ निगम की तरफ। तो वो भी जो है लाइव आए थे जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स निकाल लिया हूं, आइए देखते हैं। सबसे पहली क्लिप जहां पर उन्होंने कहा है कि 2020 में जो है उनके काफी कुछ प्लान्स थे जो कि कैंसिल हो गए, यहां तक कि जो उनका शो है अलादीन उस पे भी काफी अफेक्ट पड़ा। ये पूरे साल की जो जर्नी थी वाकई बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थी, बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत कुछ करना था लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक हमारे शो को बहुत अफेक्ट हुआ इस चीज से। बट उसके बाद भी हमने जो कमबैक किया बहुत अच्छे से किया, आप सबने फिर से उतना ही प्यार दिया था। अब चलते हैं दूसरी क्लिप की तरफ जहां पर किसी ने क्वेश्चन किया सिद्धार्थ से कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उस पर सिद्धार्थ ने कुछ ये कहा। Who is your girlfriend? अरे कोई नहीं है यार। कोई नहीं बोल के वहां पे कंट्रोल, जस्ट कंट्रोल 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 उदय। और तो गाइस फिर सिद्धार्थ निगम ने बात की अपने दो म्यूजिक वीडियो से रिलेटेड जो कि एक अनुष्का सेन के साथ आ रहे हैं और दूसरा अश्नूर कौर के साथ। अभी तक तो कोई प्लान नहीं है बट यस, जैसा कि आप सबको पता है मैंने दो म्यूजिक वीडियो शूट कर लिया है जो कि 2020 में तो डेफिनेटली नहीं आएगा बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे। सो 2021 में आप लोगों को मेरे दो म्यूजिक वीडियो देखने को मिलेंगे एंड दोनों के जो जॉनर है वो अलग है, जो लिरिक्स और जो म्यूजिक है वो भी बहुत अलग है। एक एकदम डांसिंग वाला विद इमोशंस, थ्रिलर, एक्शन और एकदम यू नो वेरी सूथिंग टू योर इयर्स जो सॉन्ग होते हैं वैसा है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। गाइस अगली न्यूज़ आती है फैसू की तरफ से। तो टीम 07 जो है अजमेर गई है। अब होता कुछ ऐसा कि यहाँ पर ख्वाजा मॉडल स्कूल लगता है वहाँ पर जिम की ओपनिंग हुई है। जी हाँ, अब ये कंफर्म नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है फैसू को ओपनिंग के लिए बुलाया गया था। और अगर आप लोग गौर से स्टोरी को सुनोगे तो वहाँ पर कुछ जिम की ही बात हो रही थी। वैसे गाइस फैसू और टीम 07 से रिलेटेड बात निकली गई है तो चलिए चलते हैं एल्विश यादव की तरफ। तो एल्विश ने जो है फेम हाउस को रोस्ट किया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो है एल्विश ने फिर से फैसू और टीम 07 के बारे में कुछ कहा है, आइए देखते हैं। सेम चीज तुम्हें टकाटक पे भी बनानी है और जो इस शो को जीतेगा उसे मिलेगा फेम, समझ रहे हो। फेम भाई, ये फेम तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे मार्केटिंग एजेंसी टीम 07 को फेक फॉलोअर्स बांटती है। भाई फेम तो ये ऐसे बांट रहे हैं जैसे टीम 07 देश बांटती है। हमें छाप रे, हमें छाप रे। हाँ क्या कह रहे हो भाई, पंचर वाले भी उससे सुतरे हैं। अच्छा सॉरी यार, मैं पंचर वालों से सॉरी मांग लेता हूँ। सॉरी फैजू। एनी क्वेश्चंस? यस सर। यस, ये हर टिकटॉक से रिलेटेड वीडियो में फैसू और टीम 07 को लाना जरूरी है क्या? तुम्हारी क्लासेस कल सुबह 8 बजे शुरू होगी, थैंक यू वेरी मच।
गाइस अगली न्यूज़ आती है शादाब खान वर्सेस मुस्कान की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि आज जो है अचानक से शादाब खान ने ये वाली स्टोरी पोस्ट की है जिसमें लिखा है, द पर्पस ऑफ रिलीजन इज टू कंट्रोल यूर सेल्फ नॉट टू क्रिटिसाइज अदर्स स्टे पॉजिटिव ह्यूमैनिटी बिगेस्ट न्यूज इज ऑन द वे स्टे ट्यून्ड। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही कि भाई अभी जो है शादाब और मुस्कान में कॉन्ट्रोवर्सी चालू है, तो मे भी हो सकता है शायद उसी से रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आने वाली है। लेट्स सी देखते हैं क्या आता है। गाइस अगली न्यूज़ आती है राउंड टू हेल की तरफ से। तो उन्होंने जो है अपनी नई वीडियो को लेके ये वाली स्टोरी पोस्ट की है जिसमें लिखा है, वी आर मेकिंग आउट अवर बेस्ट वीडियो एंड फिर ये वाली स्टोरी। इस साल की जो लास्ट वीडियो थी वो नहीं आ पाएगी क्योंकि गाइस शूट आज ही डन हुआ है यार, और आज में एडिट होना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगी वीडियो और एकदम धमाकेदार आएगी, तो वेट करते रहो, बहुत मजेदार आने वाली है। गाइस अगली न्यूज़ आती है तीन तिगाड़ा यानी कि भाविन समीक्षा और विशाल की तरफ से। तो ये लोग जो है लाइव आए थे जहाँ पर इन्होंने बात की अपने आने वाले सॉन्ग्स के बारे में। पता नहीं भाई कितने सॉन्ग्स है, जो भी हो आई वो छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। पंजाब वाला सॉन्ग कब आएगा, विषम वाला पता नहीं कब आएगा, एक इसके साथ भी आने वाला वो भी पता नहीं कब आएगा, पंजाब वाला पता नहीं कब आएगा। जैन मीट में, जैन मीट में मकर संक्रांति के टाइम तीन तिगाड़ा का डांस नंबर वीडियो सॉन्ग कब आ रहा है बताओ, बोलो रामजी पाजी को, हम भी उसी की तलाश में है। नहीं क्या है ना, रामजी पाजी हमें नाचने वाले सॉन्ग नहीं देते, नाचने वाले सॉन्ग वो किसी और को ही देते हैं और हमें सिर्फ रोने धोने वाले दे रहे हो। ये फैसू और जन्नत को कहा गया है क्या? यस मार देंगे हम तुम्हें टेपिट, हम तुम्हें मार देंगे, सही बता रहा, चप्पल सही मार देंगे। और ये वाली क्लिप, तो कैसे हैं आप लोग? समझ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं समझ रही। हेलो कैरी मिनाटी? हाँ भाभी ने, हाँ भाभी ने। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका सांपों के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रहे। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। गाइस अगली न्यूज़ आती है दीपिका की तरफ से। और भाई पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम की सारी पोस्ट डिलीट कर दी है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वायरल भयानी ने खुद ये कहा है, स्ट्रेंज दीपिका डिलीट्स ऑल हर इंस्टाग्राम पोस्ट। और यहाँ तक कि जब मैंने चेक किया तो आप लोग देख सकते हैं भाई कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है। वैसे यहाँ पर वायरल भयानी की पोस्ट के नीचे कुछ ये टाइप के कॉमेंट्स आ रहे थे। गाइस अगली न्यूज़ आती है ट्रिगर्ड इंसान और स्ले पॉइंट की तरफ से। और हुआ कुछ ऐसा कि इनके बीच जो एक कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी ट्विटर पे, ये लोग जो है एक दूसरे के लिए ट्वीट्स कर रहे थे। अब आखिर हुआ क्या है, मैटर क्या था, मैं आप लोगों को शॉर्ट में और इजीली समझा देता हूँ। यहाँ तक कि गाइस स्ले पॉइंट ने ट्रिगर्ड इंसान को लेके कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो होता कुछ ऐसा कि यहाँ पर स्ले पॉइंट उन्होंने जो है ये वाला वीडियो अपलोड किए थे एक हफ्ते पहले जिसका टाइटल है डेंजरस एटीट्यूड बॉयज ऑफ सोशल मीडिया। और इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से सिमिलर है ट्रिगर्ड इंसान के ये वाले वीडियो को लेके जो कि एक दिन पहले ही अपलोड हुआ है। और इसका टाइटल है द लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया, मतलब कि एक तरीके से बताया ये जा रहा है कि ट्रिगर्ड इंसान ने जो है स्ले पॉइंट की कॉपी किए है। तो इसी को लेके यहाँ पर स्ले पॉइंट उन्होंने कहा, कुछ यूट्यूबर्स को हमारा कंटेंट इतना पसंद आता है कि वो हमारे टॉपिक सेगमेंट्स यहाँ तक के टाइटल्स उसको भी कॉपी करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर स्ले पॉइंट की गौतमी ने कहा, कर लो कॉपी कर लो हमारा कंटेंट, हमारे आइडियाज स्केचेस और एग्जैक्ट सेम टाइटल भी, लॉल वेटिंग फॉर कोइंसिडेंस था यार। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान उन्होंने कहा, एक वर्ड तक सेम नहीं है बट जस्ट बिकॉज द टाइटल इज सिमिलर, तो मतलब कॉपी, रियली अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम क्रिएटर्स जिन्हें मैं फ्रेंड्स मानता हूँ। एंड फॉर क्लेरिफिकेशन, मैं 2 साल से फेसबुक पे लेजेंड्स को लेके वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उन्होंने जो है स्क्रीनशॉट भी अपलोड किए हैं प्रूफ के लिए। फिर आगे कहा, मैं कोई भी दूसरे क्रिएटर्स को नहीं देखता जो सिमिलर कॉन्टेंट बनाते हैं ताकि गलती से भी कॉपी ना हो जाए। कल का लौंडा प्रूफ है इस बात का कि मैंने इस वीडियो की प्लानिंग 1 महीने से कर रहा था। फील्स रियली सैड के जिन क्रिएटर्स को मैं दोस्त समझता था उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाए। आई हेट कॉन्ट्रोवर्सी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपनी साइट को क्लियर कर देना चाहिए। होप आगे कोई ड्रामा ना हो, नया साल है, नाउ लेट्स गेट इनटू न्यू ईयर विद लव। तो उसके बाद स्ले पॉइंट उन्होंने कहा, फ्रेंड्स फॉर यू वो स्केचेस और आइडियाज बार बार कॉपी कर रहा था और हम उसे 1 साल से माफ कर रहे थे। एट सम पॉइंट सच्चाई सामने आ ही जाती है, ये अभी ही नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, हमारे पास सब स्क्रीनशॉट है, बट फॉर नाउ एंजॉय करते हैं आखिरी दिन इस साल का। और गाइस फिर इसके बाद स्ले पॉइंट ने कुछ 3 वीडियोस अपलोड किए जहां पर उन्होंने बताया कि ट्रिगर्ड इंसान किस तरीके से उनकी वीडियोस को कॉपी कर रहा है। तो यहां पे देखो, हमने ये लाइव फैक्ट्स पे वीडियो बनाई थी जहां हमने ये किया था। अब मैं आपको मिलाऊंगा मेरे फेवरेट यूट्यूबर से। वीडियो कहां गई? वीडियो अनलिस्ट कर दी क्या? अरे यार, पर मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं तो मैं इनके लिंक्स रखता हूं। वाओ, और हमने फेयरनेस स्क्रीम्स पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें, अबे ये क्या है, एक्सपोजर कम कर, लाइट्स ऑफ, एक काम कर यार, बिजली की तार ही काट दे। और इनका देखते हैं,
क्या गोरी करती है यार, मस्त है एकदम, बढ़िया यार। हाँ हाँ करते जाओ, पूरी अमावस लगनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ बेटा एकदम काली से गोरी हुई है। इनफैक्ट स्ले पॉइंट वर्ड ही बैंड है इनके चैनल पे, अगर आप ये स्ले पॉइंट लिखा और मैंने एक अकाउंट से कमेंट कर दिया, आपको मेरा कमेंट कहीं नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान, उन्होंने जो है एक चैट शेयर किए स्ले पॉइंट के साथ, जहाँ पर बताया एक तरीके से ये गया है कि ट्रिगर्ड इंसान ने जो है एक वीडियो अपलोड किए थे और उसके ही बाद में जो है स्ले पॉइंट ने भी वीडियो अपलोड किए, लेकिन दोनों का टॉपिक जो है सेम हो गया, जिस पर स्ले पॉइंट, उनका कहना ये था कि आखिर ये कैसे हो गया। और ये भी कहा गया स्ले पॉइंट की तरफ से कि हम ये वीडियो कल ही अपलोड करने वाले थे लेकिन कुछ एरर आ गया था। तो उसी पर गौतमी ने कहा, नाइस डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक, एक बार जब कोइंसिडेंस हुआ तो मैंने खुद एग्री की थी, तुम्हें मालूम है तुमने कॉपी किया है इसीलिए तुमने वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया। तो गाइज ये था कुछ मैटर, मैंने आप लोगों को शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया, बाकी आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस गाइज आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी, मिलते हैं वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, स्लैप। अबे साले रुको जरा, सब्र करो। आई नो यू आर ऑब्सेस्ड विद मी। वैसे जो क्लिप बताया वो मैंने कितनी बार ऐड किया हूं ना, यू आर ऑब्सेस्ड विद मी बडी। अबे क्या मजा आ रहा है? हैं? मेरे को लगता है ये लोग ने प्लान बना के रखे, एक साथ मारेंगे। नहीं क्या जरूरत थी उस चीज की वहाँ पे? उस दिन सिद्धार्थ निगम ने कहा, आज ये लोग कह रहे हैं, कल को जन्नत जुबैर कहेगी। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। शुभ शुभ बोल, ये देखो मेरे से पंगा नहीं लेने का, मैं पहले बोल दे रहे, मैं रोस्ट कर देगा, मैं वाट लगा देगा। कंट्रोल। वैसे अभी देखो मैं अनुष्का को आवाज दूंगा ना, कैसे पीछे मुड़ेगी। अनुष्का आरामी मानुस। बाकी अपना 2021 का एक ही एम है, चलो अब कमेंट्स नहीं करना, पहले बोल दे रहा हूं, वही उसी बात को लेके जो अभी बोला।